नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। सिक्स बेसिक का, आरसीएम सिक्स बेसिक का ये जो पांचवा बेसिक है फॉलो अप, उसको लेकर ये आरसीएम बिजनेस में सफलता के लिए सिक्स बेसिक महत्वपूर्ण क्यों है, अभी तक आप देख लिए होंगे। अगर जो चारों वीडियो हमारा ये देखे होंगे सिक्स बेसिक का, तो आपको ये लग गया होगा कि ये सिक्स बेसिक, बेसिक का मतलब ही है कि प्रारंभिक चीजें, यानी आरसीएम की जो प्रारंभिक चीजें जो हमको आपको सीखना, आरसीएम ज्वाइन करने के तुरंत बाद, उसी को हम बेसिक कहते हैं। जो जो सिक्स बेसिक है, इस सिक्स बेसिक का जो एक बार फिर हम आपको याद दिलाते हैं, सिक्स बेसिक क्या है। जो पहला बेसिक है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। दूसरा जो बेसिक है आपका लिस्ट मेकिंग, लिस्ट मेकिंग में जो पहला लिस्ट है वो ड्रीम लिस्ट है और दूसरा प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है। और जो तीसरा जो बेसिक है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, यानी जब हम लिस्ट बना लिए तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करेंगे। और जो चौथा जो बेसिक है, सो द प्लान, यानी एसटीपी, यानी कॉन्टेक्ट जब हम कर लिए तो प्रॉस्पेक्ट को हम प्लान दिखाएंगे। और प्लान दिखाने के बाद आप क्या करेंगे, जो कहा जाता है कि जो मेन रोल है फॉलो अप का, तो प्लान तो आपने दिखा दिया, लेकिन फॉलो अप करना जो फिफ्थ बेसिक है, यानी पांचवी जो बेसिक है, इस पे हम आज आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। ये पांचवा बेसिक जिसको हम कहते हैं फॉलो अप। किसी भी आदमी को जब आप प्लान दिखा दिए, तो ऐसा कहा जाता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप कर लेना चाहिए। और मैं कहूं तो फॉलो अप बहुत ही जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में। शुरुआत में जैसे आपने प्लान दिखाया और जो आदमी ज्वाइन कर लिया, वो बहुत लंबे रेस का घोड़ा नहीं बनेगा। लेकिन जो आदमी प्लान दिखाने के बाद अगर कहता है कि हम अभी सोच के बताएंगे, पूछ के बताएंगे, या थोड़ा सा विचार कर लें, अपने लोगों से बात कर लें, घर में बच्चों से बात कर लें, तब हम बताएंगे, इसका मतलब ये कि अभी वो आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से अभी निर्णय नहीं ले पा रहा है। लेकिन संदेह है उसके मन में, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि उसके मन का जो वहम है, उसके मन का जो संदेह है, उसको अगर जो आप दूर कर दें, तो वो आदमी इस बिजनेस में अगर जो आएगा तो लंबे रेस का घोड़ा बनेगा। और इसलिए सिक्स बेसिक। और कहा जाता है किसी आदमी का जो प्रेजेंटेशन आप दिखाते हैं, तो उसमें से 20% लोग ही तुरंत निर्णय लेते हैं, या तो उसमें 10% लोग ऐसे होते जो कहते हैं कि यार मुझे नहीं करना है इस तरह के, उससे हमें बकवास से कोई उन्हें होना है, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, हमें ऊपर वाला जो दे रहा है वही सफिशियंट है, वो आदमी कह के निकल जाता है। लेकिन उसमें से 10% ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया ये तो बहुत अच्छा प्लान है यार, इसमें करना तो कुछ नहीं है, सिर्फ दुकान बदलनी है, हम बहुत सारे बातें बदलनी है, दुकान बदलनी है और हम करोड़पति बन जाएंगे, और वो आदमी तुरंत साइन कर देता है। वो आदमी बहुत लंबे रेस का घोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि वो शुरू में ही देखा कि बिना काम के हमको सब कुछ मिलने वाला है और तुरंत साइन अप कर लिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो जीरो है यहां पे, सिर्फ दुकान बदलनी है। बिना कुछ सोचे समझे जो आदमी ज्वाइन पहले कर लेता है, वो पग पग पर आपके लिए समस्या क्रिएट करेगा। और किसी ने कहा है कि गधों को किसी जगह पे किसी सिस्टम में लाना बहुत आसान है, लेकिन शेरों को या घोड़ों को लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन गधों को लेके आना तो बहुत आसान है, लेकिन लेकर चलना बहुत मुश्किल है, और शेरों या घोड़ों को लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन साथ लेकर चलना बहुत आसान है। इसका मतलब यही हुआ मेरे भाई कि जिस आदमी को जब आप प्लान दिखा रहे हैं और प्लान दिखाने के बाद वो तुरंत हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहा, जो 80% लोग होते हैं उन्हीं के लिए फॉलो अप है, और वही डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं तो कीर्तिमान रचते हैं, और उन्हीं के लिए फॉलो अप है। यानी कहने का मतलब क्या है कि उनके जो सपने हैं, उनके जो क्वेश्चन है, जो सपने और आपके बीच में, आपके प्रेजेंटेशन के बीच में जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अगर जो आप दूर कर देते हैं तो आपके साथ आते हैं। तो मेन हम फिर बिंदु पे वही आते हैं कि फॉलो अप कैसे किया जाए। फॉलो अप का एक छोटा सा फार्मूला है जिसको हम कहते हैं फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड। अभी इसको देखेंगे कि इसको हम फील फेल फाउंड का प्रयोग कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज, अगर जो किसी आदमी को आप सिस्टम से प्लान दिखाते हैं, सिस्टम से मतलब ये कि अगर जो किसी आदमी को इनवाइट किए हुए हैं, सिस्टम से इनवाइट किए हैं, फोन से या जैसे भी हो इनवाइट किए हैं,
और इनवाइट करके उसको कि भाई एक जबरदस्त बिजनेस आया हुआ है, इस बिजनेस में लोग महीनों का जितना पैसा कमा रहे हैं अन्य जगह पे लोग साल में उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। आइए शाम को एक घंटा बैठते हैं, कल सुबह कल शाम को 6 बजे, अच्छा लगे तो मिलके किया जाए, नहीं अच्छा लगे तो दोस्ती बरकरार रहे, कोई बात नहीं। इस तरह मान लीजिए आपने इनवाइट किया है, वो आदमी 6 बजे कल आता है और आपने सिस्टम से पूरा प्रेजेंटेशन आप अपने बिजनेस का, आरसीएम बिजनेस का प्रेजेंटेशन आप दिखाते हैं और प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद फॉलो अप उसी समय आप कर सकते हैं, क्योंकि जब सिस्टम से आपने इनविटेशन किया है तो फॉलो अप उसी समय पहले आप करने का प्रयास करिए। और उसके लिए जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन किसको तुरंत फॉलो अप नहीं किया जा सकता है, जिसको आप वैसे बुलाए बताए नहीं हो कि बिजनेस क्या है, आपने इन्वाइट कर दिया कि यार आओ यार एक चर्चा करनी है एक चीज पे, शाम को चर्चा करनी है, जैसे हॉट लिस्ट की आपने बताया ही नहीं कि क्या है, तो ऐसे आदमी को क्लोजिंग तुरंत नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं होगा, वो माइंड मेकअप भी नहीं किया है आने से पहले कि क्या है क्या नहीं। लेकिन सही में सिस्टमेटिक आप इनवाइट किए हुए हैं कि एक बिजनेस है, तो आदमी लगभग तैयार होकर आता है, तो उसको सबसे पहला जो चीज है कि प्रयास ये करिए कि वहीं पर आपका फॉलो अप कर डालिए। वहीं पर फॉलो अप कैसे करेंगे, आपका जो पहला क्वेश्चन फॉलो अप का होगा वो क्या होगा, आपने प्लान दिखाया, प्रेजेंटेशन दिखाया, कुछ प्रोडक्ट की बात किया, कुछ प्रोडक्ट दिखाया, उसके बाद से आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, नॉट ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि आप ऐसे क्वेश्चन मत करिए जिसका जवाब हाँ या ना में हो, नॉट ओपन एंडेड क्वेश्चन, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं करना है, आपका क्वेश्चन इस तरह नहीं करना है कि जो प्लान आपने देखा कैसा लगा, जवाब क्या आएगा, अच्छा या बुरा, क्वेश्चन आपको करना है वो क्वेश्चन जिसका जवाब वो आदमी हाँ में दे। और इसके लिए आपको मैं एक रिकमेंड करूंगा कि किताब आपको मौका मिले तो एलन पीज का सवाल ही जवाब, एलन पीज का सवाल ही जवाब है, उसको मौका मिले तो किताब जरूर पढ़िए। क्वेश्चन ऐसा करना है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा वो जवाब दे सामने वाला। क्वेश्चन कैसा करेंगे, फॉलो अप का जो प्लान दिखाने के बाद जो आप फॉलो अप करने जा रहे हैं, उस फॉलो अप का जो पहला क्वेश्चन तुरंत जब आप जा रहे हैं तो करने के लिए, तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है कि जो प्लान आपने देखा, जो प्रेजेंटेशन अभी आपने देखा, उसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी, आप ये नहीं पूछ रहे कि अच्छा लगा कि बुरा, उसमें सबसे अच्छा चीज क्या लगा, यानी प्रोडक्ट या प्लान या कुछ भी। क्वेश्चन पाला क्या किया आपने कि जो प्लान आपने देखा, जो प्रेजेंटेशन आपने देखा, उसमें सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगा, जवाब उसका बहुत सारा हो सकता है। ये हो सकता है कि वो कहे कि हमको इसे प्रोडक्ट अच्छा लगा, या हो सकता है कि इसके प्लान में आपने बात किया हो पार्ट टाइम का, उसका जवाब होगा कि इस बिजनेस में तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इसको पार्ट टाइम करना है, जवाब उसका आया। अब यहीं पर फील फेल फाउंड, आपका जवाब फील, आप फील करिए, महसूस करिए कि जो जवाब दिया है वो सही है और आप खुद उसी तरह का जवाब दिए। मैं भी जब पहली बार प्लान देखा था तो मुझे यही अच्छा लगा था कि पार्ट टाइम ही करना है। फील फेल फाउंड मतलब आप उसको फील किया और फिर फेल्ट कराए, रियलाइज कराए, महसूस कराए और फिर वो आपके साथ आ गया, फाउंड पाया, यानी कि जो आप उससे क्वेश्चन किए उसका जो जवाब दिया, यानी कि आपने जो प्रेजेंटेशन देखा उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा, उसने कहा इसको पार्ट टाइम करना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, नौकरी नहीं छोड़नी है, या दूसरी चीज मान लीजिए वो कहा कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी वो जवाब दे सकता है। तो आपका जवाब तुरंत क्या होगा कि मैं भी जब फील फेल्ट महसूस किया कि मैं भी जब इस बिजनेस को पहली बार देखा था तो मुझे भी यही अच्छा लगा था कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है या इसको पार्ट टाइम करना है। क्लियर, पहला क्वेश्चन। मतलब कहने का क्या है कि फॉलो अप में हम ये चाहते हैं कि सामने वाला बोले, बोले मतलब ये कि जब बाल्टी भरा हो तो उससे पानी ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर जाएगा, लेकिन अगर जो बाल्टी में से पानी कुछ गिरा दिए हैं तो जो भी डालेंगे उसमें आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो सामने वाला जब बोलता है इसका मतलब अपना जो पूर्व अनुमान लगाया हुआ है इस बिजनेस के प्रति या जो भी हो, वो खोलता है, खाली करता है दिमाग को और तब फिर आप डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा, अब जब वो कह दिया
कि पार्ट टाइम करना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप फट से दूसरा क्वेश्चन ये करिए कि सप्ताह में आप इस बिजनेस को कितना टाइम दे सकते हैं। अभी वो यस नहीं किया है, लेकिन आपका क्वेश्चन उसी पर जा रहा है, आंसर दे रहा है, उसको हम यहां क्लोज कर रहे हैं। धीरे 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 उस रास्ते पर बढ़ रहा है आगे। आप सप्ताह में इस बिजनेस को कितना टाइम दे सकते हैं? वो कहता है कि 5 घंटे या 10 घंटा दिया जा सकता है यार सप्ताह में। भाई संडे फुल डे होता है, उस दिन 8 घंटा 10 घंटा दिया जा सकता है, और भी 2 दिन में 1 घंटा या 2 घंटा दिया जा सकता है। ठीक, फिर वही चीज कि बहुत अच्छा, आपने कुछ उसके ऊपर जरूर बोलिया। ऐसा नहीं है कि अगर जो जवाब दिया तो हाँ चुप हो जाइए। बहुत बढ़िया, मैं भी यही सोच रहा था कि भाई इतना समय तो आराम से निकाला जा सकता है। बहुत अच्छा, आप इससे तो आप अपने सपने की तरफ बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप गया कि पार्ट टाइम इस बिजनेस आप कितना कमाना चाहते हैं? भाई ये जो कहता है पार्ट टाइम शुरू करना है, ये हमें सबसे अच्छा लगता है। तो आपने तीसरा क्वेश्चन आप डाल दिए कि पार्ट टाइम इस बिजनेस से आप कितना कमाना चाहते हैं। वो कहता है 10,000 या 15,000 जो भी है। अब फिर फील फेल्ट फाउंड कि मैं भी शुरू में यही सोचा कि 10-20 हजार। अगर 10,000 वो कहता है, 15,000 कहता है, मैं भी जब इस प्लान को देखा था तो शुरू में ये सोचा कि 10-20 हजार आ जाए वही अच्छा है, उतना ही बहुत है। क्वेश्चन का जवाब उसके पास से फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट की आपने चर्चा किया कि जितने प्रोडक्ट आपने इसको अभी देखा उसमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। जैसे आपने हेल्थ गार्ड के बारे में बताया, कैबिगो के बारे में बताया, नमक के बारे में बताया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, दो चार क्वालिटी हिंट हिंट क्वेश्चन आपने बता दिया प्रोडक्ट के बारे में। उससे पूछा आपको क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा? वो कहा हेल्थ गार्ड, यार ये ऐसा तेल होता है मुझे पता ही नहीं था, ये तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर फील फेल फाउंड, उसके हां में हां मिलाना, मुझे भी ये तेल अच्छा लगा था, सबसे अच्छा तो यही लगा था भाई साहब, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था कि तेल खाने वाला अच्छा तेल मिले, मैं बहुत दिन से इसको ढूंढ रहा था। आपका एकदम यूनिक तेल, इसे ब्लड प्रेशर दूर होता है, गैस्ट्रिक दूर होता है, शुगर दूर होता है, तेल नहीं है तो अमृत है, हमको तो सबसे अच्छा यही लगा। अगला क्वेश्चन डाल दीजिए कि अच्छा ये बताइए कि आपको 1 लीटर चाहिए कि 5 लीटर वाला पैक चाहिए। क्वेश्चन आप डाल सकते हैं कि आपको 1 लीटर वाला अच्छा रहेगा कि 5 लीटर पहली बार में। वो क्या कहेगा कि नहीं 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 लेंगे, जब एक बार कह चुका कि अच्छा लगा सबसे अच्छा तो यही लगा, तो कहेगा कि यार 1 लीटर, अरे 1 लीटर लेना, ये आपके घर में 5 लीटर 10 लीटर महीने का खर्च है। लेकिन देखिए इसमें तो कंपनी ये कह रही है कि यूज पसंद नहीं आए तो 100% वापस, वापसी की गारंटी है भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। तो इस तरह आपका क्लोजअप पर आप पहुंच सकते हैं किसी को। और लास्ट इसमें आपको निचोड़ देना है, क्योंकि हम सभी एक बहुत बड़ी कमी होती है, किसी को भी प्लान दिखा लेते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन क्लोजअप नहीं करता। मतलब ये कि हमको जो सबसे मेन क्लोजअप है, जो बिंदु है, लास्ट बिंदु है, कि पैसा निकालने पर बहुत संकोच करते हैं और सोचते हैं कि आप कहते हैं कि अच्छा आप क्या सोचे, ना ना ना, ना आपको सीधा क्वेश्चन ऐसे करना है, नॉट ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्वेश्चन क्या पूछना है कि भाई साहब ये बताइए कि पेमेंट कैसे करेंगे, या नगद या एटीएम। मान लीजिए आपने दो ही विकल्प दिया, वो कहा कि नहीं नहीं एटीएम से ठीक है, कहिए चलिए एटीएम चलते हैं। अब एक चीज आप यहां कह सकते हैं कि हमारा इसमें पैसा कहां लगता है, लगता है प्रोडक्ट पे लगता है, पहले पैसा निकालिए उसके बाद से लिस्ट क्या क्या चीज चाहिए, भले उसको लेके जाइए साथ में, पैसा निकालना सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्लोजिंग। और कहा जाता है कि या तो उससे पैसा निकलवाइए या आगे का डेट फिक्स करिए, और क्लोजिंग 24-48 घंटे हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि आपको पहले बार में क्लोजिंग ना हो, निर्णय अभी नहीं ले पा रहा है वो आदमी, कुछ टूल छोड़ने के बाद, अगली मीटिंग सेट करने के बाद, हम परसों मिलते हैं शाम को, या इस तरह करिए कि कल सुबह 10 बजे अच्छा रहेगा कि परसों शाम को 6 बजे अच्छा रहेगा, मैंने डबल विकल्प दीजिए। ये ना पूछिए कि कल या मतलब आप ये कि कल खाली है कि नहीं या परसों खाली है कि नहीं, ना ना ना, दो विकल्प आप दीजिए ताकि उस दो में से एक उनको चुनना रहे, यानी कि कल शाम को 6 बजे या परसों सुबह 10 बजे अच्छा रहेगा मिलने के लिए। वो कहता है कल तो नहीं नहीं परसों, ठीक है परसों नोट कर लीजिए, कंफर्म करिए, यानी कि परसों 10 बजे डन, आप वापस जाइए। फॉलो अप में एक चीज गलती आप मत करिए कि दोबारा जाकर उसको प्लान मत दिखाइए, यहां से क्लियर नहीं होता। आती एक चीज और आता है, दूसरी चीज आती है पीएमएफ, बहुत ही जबरदस्त चीज है पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। और बिजनेस में प्लान दिखाने से पहले पीएमएफ तो जरूर करना चाहिए,
पीएमएफ को जरूर दिखाना चाहिए, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। मेरे प्लान में आपने शुरू अगर जो सिक्स बेसिक का जो चौथा बेसिक आपने देखा होगा, तो पीएमएफ से ही मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था। और आप भी बिजनेस की शुरुआत करिए, क्योंकि आदमी का क्यों क्लियर हो जाए, क्यों 80% होता है, और 80% क्या, मैं तो ये कहूंगा कि क्यों 90% होता है, और कैसे 10% होता है, तो क्यों बहुत जरूरी चीज है। तो इसमें भी अगर जो आदमी को अभी अगर साइन अप नहीं कर रहा है, अभी वो टरका रहा है, तो उसमें दूसरा फॉलो अप कैसे करते हैं, उसके पीएमएफ से शुरू करिए और क्वेश्चन करिए कि आपको पता है कि लोग इस डायरेक्ट सेलिंग को क्यों करते हैं, पीवीएमएफ, पीएमएफ आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग, पीएमएफ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर आपको पता है, बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे आर्थिक आजादी, इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए, देश विदेश का भ्रमण चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, बहुत सारे बिंदु हैं। तो क्वेश्चन यानी कि आप जब जाते हैं उसके पास फॉलो अप करने, तो ये क्वेश्चन जो आपको मैंने पहला तरीका बताया उस क्वेश्चन उस तरीके से भी नहीं होता है। दूसरा तरीका आप पीएमएफ से शुरू कर सकते हैं, कैसे, कि आप पहले क्वेश्चन आप क्या करते हैं कि क्या आपको पता है कि लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्यों करते हैं। वो आदमी संकोच करने लगेगा, सोचने लगेगा। आपका जो पीएमएफ का कार्ड है, विजिटिंग कार्ड पे एक साइड में आप जो लिखे हैं आर्थिक आजादी, समय की आजादी, सुरक्षा, पैसिव इनकम, बहुत सारी चीजें, देशाटन, सपनों का कार, सपनों का महल, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसको 8-10 पीएमएफ लिखे हुए हैं विजिटिंग कार्ड पर पीछे। उस कार्ड को निकालते हुए आप कहते हैं कि ये लीजिए, देखिए। आदमी धीरे धीरे पढ़ने लगता है, तो आपने पहला क्वेश्चन करते हैं कि इसमें से आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। जब विजिटिंग कार्ड वो देखता है और लास्ट में पीएमएफ जो लिखा होता है, 8-10 पॉइंट आप लिखे होते हैं, उसमें जो पहला क्वेश्चन उसके ऊपर डालते हैं कि इसमें आपकी पहली प्राथमिकता कौन सी है, क्या है पहला क्वेश्चन। उसमें मान लीजिए वो कहता है पार्ट टाइम इनकम, कहता है अगर पार्ट टाइम इनकम, कोई जवाब दे सकता है, ये भी जवाब दे सकता है, ये कोई नहीं कर सकता है कि नहीं कर सकता, इससे आगे क्या कहेगा, इसमें से कोई नहीं मेरी समझ। दोबारा वही क्वेश्चन करिए कि ठीक है, मान लीजिए आपको अगर कोई पसंद करना हो तो सबसे पहला आपका विकल्प इसमें कौन सा होगा। अब उसके ऊपर नहीं रहा, आप ये कहते हैं कि मान लीजिए आपको इसमें से पसंद करना हो तो सबसे पहला विकल्प आप कौन सा इसमें सबसे पहले आप पसंद करते हैं, पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें आप डालिए, अगर जो उसने कोई भी चीज कहता है कर्ज मुक्त जीवन ही कर दिया, कहिए कि कर्ज मुक्त जीवन हमें, क्योंकि आज के डेट में नौकरी वाला आदमी, सब आदमी कर्ज से परेशान है, ईएमआई वो भर रहा है, कार लिया हुआ उसका ईएमआई भर रहा है, मकान के जमीन लिया है ईएमआई भर रहा है, कुछ भी ईएमआई भर रहा है, लड़की की शादी किया लड़के की शादी किया, घर में बहन की शादी किया ईएमआई लिया, लोन लिया है ईएमआई भर रहा है, तो कर्ज से मुक्त जीवन नौकरी वाले के लिए तो सबसे बड़ा विकल्प पीएमएफ है, तो कहते हैं कर्ज मुक्त जीवन। तो आपने दूसरा क्वेश्चन फट से आप डालिए कि आपने इसी को क्यों चुना, पहले आपने विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए उससे पूछा कि इसमें से आपको क्या पसंद है, सबसे ज्यादा आपको इसमें से क्या पसंद है, वो कहता है कर्ज मुक्त जीवन, या नहीं कहता है तो भी अगर जो ये दूसरा फट से ही कर देता है कि कुछ नहीं पसंद है, तो दूसरा क्वेश्चन फट से डाल दीजिए कि कुछ नहीं पसंद है, तो अगर जो आपको पसंद करना पड़े तो कौन सा करते आप, कहता है कर्ज मुक्त जीवन, तो दूसरा क्वेश्चन फट से आप डालते हैं क्या कि आपने इसी को क्यों चुना, मतलब ये कि आपने इसी को क्यों चुना, चुनने का कारण, इसी को क्यों चुना मतलब ये, वो कहता है कि यार कर्ज रहेगा बहुत परेशानी होगी, एडजस्ट नहीं होता है, हर चीज में कटौती करनी पड़ती है, ईएमआई सब चला जाता है, जो तनख्वाह मिलता है उसका 25-30% ही जो लास्ट में बच जाता है उससे खर्च चलाना बहुत मुश्किल है, आदि आदि जवाब देगा। तीसरा क्वेश्चन उसी के साथ फट साफ डालते हैं कि यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह कर्ज मुक्त जीवन ही आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तीसरा क्वेश्चन आपने फिर दावा, देखिए हर सवाल लगभग एक जैसे हैं, जवाब लगभग उसी तरह उसका आएगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है जैसा क्वेश्चन, तीसरा भी क्वेश्चन उसी तरह, आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है मतलब आपने इसी को क्यों चुना, जवाब दोनों का लगभग सेम है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण इसलिए है यार कर्ज मुक्ति जीवन, अगर कर्ज में ही रहेंगे तो यार जिंदगी कुछ रहेगी नहीं,
कभी भी लाइफ स्टाइल नहीं बनेगी, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं पाएंगे, बहुत बड़े घर नहीं बनवा पाएंगे, कर्ज से हमेशा डिप्रेस रहेंगे। बहुत सारे कारण हैं। फट से चौथा क्वेश्चन आपने डाला कि क्या परिणाम होगा यदि आपको नहीं मिले तो, अगर जो आपको यह नहीं मिले तो क्या परिणाम होगा। मतलब ये कि कर्ज मुक्त जीवन अगर जो नहीं हुआ, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा रहा तो क्या परिणाम होगा, क्या जवाब देगा वो? अरे बहुत भयंकर परिणाम होगा, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, कर्ज में डूबा रहूंगा, जो भी तनख्वाह मिलेगा वो कर्ज में ईएमआई में चला जाता है, घर के खर्चे चलाने के लिए बार बार छोटे मोटे किराने की दुकान से उधार लेना पड़ा, फलाना उधार लेना पड़ता है, हर आदमी की निगाह में मैं गिर जाता हूं, कारण यही तो होगा। वो धीरे धीरे इस आपका जो जवाब इसका आ रहा है वो इनडायरेक्ट में जवाब हो रहा है कि हम आपके बिजनेस को क्यों चुने। पांचवा क्वेश्चन आप फट से करिए कि क्या आप इन परिणामों को लेकर चिंतित हैं, क्या आप इन परिणामों को लेकर चिंतित हैं? जो भी परिणाम होगा अगर कर्ज मुक्त जीवन आपका नहीं हुआ तो इसके क्या परिणाम होंगे, बहुत सारी चीजें आप बता दिए। फिर आपने लास्ट क्वेश्चन क्या डाल रहे हैं कि क्या आप इन परिणामों को लेकर चिंतित हैं, हर आदमी जवाब देगा यस है, तो तुरंत आप क्लोज करिए कि आइए इस बिजनेस को साइन करिए और हम आपके साथ लग के आपको अपने सपने को पूरा कराएंगे, कर्ज मुक्त जीवन दिलवाएंगे, आइए साइन करिए। वो आदमी साइन करेगा, साइन ही करेगा जबरदस्त तरीके से, दम के साथ, एक्साइटमेंट के साथ हर चीज पे आप बात करेंगे। तो लास्ट में अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो टाइम, चलिए कोई बात नहीं, कल शाम को 6 बजे या परसों सुबह 10 बजे हम लोग मिलते हैं, कौन सा समय अच्छा रहेगा आपके लिए? वो कहते हैं कल शाम को तो थोड़ा सा भी हो जाएगा, परसों सुबह मिलते हैं 10 बजे। वेल डन, नोट कर लीजिए, परसों 10 बजे आते हैं। कोई आपके पास टेस्टिमोनियल है या जो भी है, आपने छोड़ दिया, फिर आया, फिर आपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन फॉलो अप में उसके सवाल का जवाब देना होता है, जो उसके अंदर जो समस्याएं होती हैं, जो भी उसके अंदर सवाल चल रहा होता है उसका जवाब देना होता है प्यार से। लेकिन फॉलो अप में यह जरूर प्रयास किया जाता है कि सामने वाला खुले, सामने वाला बोले, और जितना बोले उसको प्यार से, कभी भी आर्गू मत करिए फॉलो अप में, तर्क मत दीजिए। अगर जो कोई क्वेश्चन उठा रहा है कि यार सामान, जैसे मान लीजिए वो सामान क्वेश्चन उठा दिया कि यार सामान तो बहुत महंगा है, फील फेल फाउंड, आप फट से कहिए कि आपने सही कहा। देखिए आपने सही कहा, आपने उसको पहले जिता दिया, आपने सही कहा। मैं भी जब शुरू में इस बिजनेस में आया तो मैं भी यही सोचता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस बिजनेस को, प्रोडक्ट को यूज करने लगा तो आगे कुछ और नजारा मिला। पहले उस बात को, उसकी आवाज को, उसके जो वो जो कह रहा है उसको हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, फील फेल फाउंड। कुछ भी प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं यार, ये प्रोडक्ट, ये तो इसका क्वालिटी समझ में नहीं आता, ये तो बहुत खराब है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं भी शुरू में जब आया तो ये मुझे भी ऐसे लगा कि ये क्वालिटी खराब है। यही तक आप कह सकते हैं तो यही तक रुकिए, क्योंकि पहले उसको बिल्कुल आर्गू नहीं करना है। वो कहे कि खराब है और आप कहें कि सही है, सही आप ही कर रहे हैं, लेकिन जब आर्गू कर देंगे तो आपके साथ कभी नहीं आएगा। लास्ट में एक एकदम क्लोजिंग ही है, जैसे आपने क्लोजिंग करते करते सब कुछ हो गया, उसका हाथ अपने हाथ में रखिए और कहिए भाई साहब, यदि मेरे आप खास भाई होते तो भी मैं इस बिजनेस को करने की सलाह देता। हाथ में हाथ रखे कहिए भाई साहब, यदि मेरे आप खास भाई होते, मेरे छोटे भाई या बड़े भाई होते तो भी मैं इस बिजनेस को करने की सलाह देता। यह है फॉलो अप। तो फॉलो अप बहुत जरूरी है। फॉलो अप कहा गया है कि फॉलो अप तीसरे से पांचवें, हम आप क्या करते हैं, एक बार प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप तो करते नहीं है, वहीं तुरंत हाँ या ना में जवाब देते हैं, ऐसा कैसा लगा, ऐसा क्वेश्चन की वो जवाब हाँ या ना, हाँ तो देगा ही नहीं, ज्यादातर ना ही देता या बाद में करेगा, और फिर खत्म काम। फॉलो अप हम करते नहीं है। और अध्ययन बताता है कि तीसरे से पांचों फॉलोअप के बाद यानी 80% सेल क्लोज होता है, 80%।
सोचिए 10 आदमी को प्लान दिए, 8 आदमी क्लोज हो जाएगा अगर सही फॉलो अप किए तो। 3 से 5वें फॉलो अप तक जाते जाते 80% सेल क्लोज हो जाता है। मेरे भाई फिर एक बार मैं आपसे कहूंगा कि अगर हम बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जीवन की स्वतंत्रता चाहते हैं, समय की आजादी चाहते हैं, भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं, पूरे विश्व का भ्रमण करना चाहते हैं, सपनों का कार, सपनों की गाड़ी, सपनों का हवाई जहाज, सब कुछ लेना चाहते हैं, तो इस RCM बिजनेस के अलावा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और इस RCM बिजनेस का प्लेटफॉर्म को जब आप चुन लेते हैं तो इसमें आपको 6 बेसिक पे एकदम महारत हासिल होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल सिंपल सा स्मार्ट वर्क है। आप हार्ड वर्क तो करते जाते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल हार्ड वर्क करते हैं, कुछ नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये हुआ, ये 6 बेसिक को आप फॉलो करते हैं, बहुत आसान काम है। 6 बेसिक को फॉलो करते हैं, बहुत जल्दी आप करोड़पति हो जाएंगे। और इस 6 बेसिक का एक बार फिर मैं बताता हूं, 6 बेसिक मतलब यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, मैंने 100% यूज करने शुरू कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, और शेयर करना लोगों से शुरू करिए। दूसरा, लिस्ट बनाइए, लिस्ट मेकिंग यानी कि अपने ड्रीम की लिस्ट बनाइए, बच्चों को बैठा के, पत्नी को बैठा के, सारी जितनी भी ड्रीम है सबको लिस्ट बना डालिए और उसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, और धीरे धीरे 3 भाग में बांट दीजिए, यानी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम को, और फिर उसका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, यानी कि अपने लिस्ट में 500, 1000 लिस्ट में लोगों का नाम हो, और लिस्ट जब बन गई तो कॉन्टेक्ट एंड इंक्वायरी फोन करते हुए उनसे समय लीजिए। और जाके चौथी चीज है आपका प्रेजेंटेशन, STP, सो द प्लान, और प्लान जाके दिखाइए, और प्लान दिखाने के बाद अगर सिस्टम से उनको ये है तो तुरंत क्लोजिंग का प्रयास करिए। तुरंत नहीं होता है, फिर समय लेकर 24-48 घंटे के अंदर उनकी क्लोजिंग करिए, और वो साइन कर लेते हैं तो स्टार्ट उनको कराने का काम अगले 2 दिन में आपको स्टार्टअप, जो 6ठा बेसिक है, स्टार्टअप कैसे लोगों को स्टार्ट कराएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम बताएंगे। तो एक बार फिर वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं बताऊंगा कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरा चैनल, मेरा वीडियो उन सभी के लिए बन रहा है जो इस बिजनेस में करोड़ों कमाना चाहते हैं। मेरा बिजनेस उनके लिए, मेरा वीडियो उनके लिए नहीं बन रहा है जो काम नहीं करना चाहते, जो दूसरे को बदौलत, जो चाहते हैं कि मेरे टीम में कोई आ जाए तो मैं करोड़पति हो जाऊं, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो उसके लिए है जो अपनी जिंदगी तो बना ही रहा है, अपने साथ साथ हजारों लाखों करोड़ों की जिंदगी बनाने के लिए इस बिजनेस में आया हुआ है। और ये बिजनेस में सफलता उसी समय आपको मिलेगा जो आपके साथ हजारों लाखों जब लोग सफल होंगे तो आप सफल होंगे, और इसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम का जो पहला कड़ी है 6 बेसिक, इस 6 बेसिक का एक एक बेसिक आप अपने खुद रट के पी जाइए और अपने टीम में पिला दीजिए। बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, बस इसको छोटी सी जो चीज है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसको करना है। हम देखें इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कठिन कठिन काम करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क जो छोटा काम है उसको नहीं करने का प्रयास करते हैं, और इसलिए सालों सालों कुछ नहीं होता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और मैं प्रयास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पर कमेंट जरूर लिखिए और पूरे वीडियो को देखिए। आज इस लॉकडाउन टाइम में बहुत सारा समय आपके पास है, बाहर निकलने से परहेज करिए, लेकिन घर में रहिए तो बहुत सारे टीवी पर रामायण महाभारत आ रहा है, आपका पसंदीदा है, देखिए जरूर। लेकिन इस चैनल को, इस जो भी एक एक 6 बेसिक बनाया गया है, बहुत मेहनत से बनाया जाता है, इसको 2-3 बार अगर जो आप खुद देखते हैं तो आपका बिल्कुल दिमाग आपके सपने पर जाता है और आपको लगने लगता है कि मेरा सपना तो बहुत दूर नहीं, मैं पा सकता हूं। क्योंकि जब इसको कहा जाता है ना कि नॉलेज जब आपके अंदर आता है ना तो आपका विश्वास, आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। धन्यवाद, जय आशी।